तो हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के लिए दो कॉन्सेप्ट तो हमने अच्छे समझ लिए, एक तो है क्लासिफिकेशन आइडिया फॉर द ऑक्सीजन, एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यहीं पर मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात समझा दूँ कि अगर हम इसके साथ साथ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लेकिन आपको समझ आ जाएगा, कि जैसे मान लीजिए एक ये रिएक्शन हमने ले लिया, जिंक ले लिया और ये ले लिया, तो यहाँ पर जिंक मालूम जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसा हम ऑक्सीडेशन नंबर का एक थर्ड कॉन्सेप्ट है उसे। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये प्लस का टू है, ठीक है। अगर हम इस ऑक्सीजन का देखते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का, यहाँ पर देखते हैं तो माइनस है टू ऑक्सीडेशन नंबर है। इससे ये पता चलता है कि अभी हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तो कि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ये हुआ कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ठीक है, जीरो से प्लस में हो जाए, कोई प्लस वन टू थ्रू, तो समझो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये एक थर्ड कॉन्सेप्ट है। तो आप देख, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस टू, यहाँ हो गया प्लस थ्री, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है सोडियम का जीरो, यहाँ पर कितना हो गया प्लस वन, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर का जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है और अब हो गया अब प्लस का टू, ठीक है, ऐसे करके जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस वन हो गया, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस टू हो गया, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस टू हो गया, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस वन हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का एक अलग से कॉन्सेप्ट हो गया। मान लीजिए यहाँ की बात करें तो ये जीरो में ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, ये माइनस टू में हो गया, ठीक है। ऐसे अगर कार्बन की बात करें तो यहाँ कार्बन है माइनस फोर में, कैसा है माइनस फोर में, यहाँ पर कार्बन हो गया प्लस का फोर में, तो ये कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। और दूसरा ऐसे भी लग रहा है कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम देखते हैं मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, अगर हम यहाँ की बात करें तो प्लस का टू हो गया, मतलब जीरो से प्लस टू होना ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ। तो आपके तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, एक क्लासिकल मेथड जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हो रहा है ऐड, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या कोई भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तब भी ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तीन कॉन्सेप्ट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर, क्लासिकल क्लासिकल आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। यहाँ पर हमने आपको समझा ही दिया था कि आयरन प्लस टू में है और हो गया आपका प्लस थ्री में, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। इस वीडियो के बाद मैं आपको रिडक्शन का प्रोसेस बताऊँगा सेम इसी मेथड से, उसके बाद देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।